सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी अर्थात शुक्ल पंचमी पालो। इस पर्व की जितनी महिमा करें उतनी कम है। यह पर्व वह दिन है जिसके कारण आज हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, आज हम जिन्हें भगवान की वाणी को सुन पा रहे हैं, तत्व चिंतन कर पा रहे हैं, अपने ज्ञात अदृष्टा स्वभाव को जान पा रहे हैं और जिन्हें भगवान की महिमा को समझ पा रहे हैं। यदि जिनवाणी रूपबद्ध नहीं हुई होती तो हमारा क्या होता। इसीलिए जिस दिन जिनवाणी लिपिबद्ध हुई ऐसे इस श्रुत पंचमी पर्व की महिमा तो शब्दातीत है। लेकिन इस श्रुत पंचमी पर्व पर माँ जिनवाणी कैसी है उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं। हम गान करें जिने वाणी का, भव्यों को मार्ग दिखाती है। हम बंधन करते आज तुम्हें, जो स्वाद बाद बतलाती है। निज ज्ञायक प्रभु को दर्शाती, भव्यों को पार लगाती है। कर तत्व हटाती है सारा, ज्ञाता दृष्टा दिखलाती है। क्रमबद्ध को समझाती माता, जो समय सार बतलाती है। मैं सिद्धों जैसा अभी यहीं, मुझको माँ ये समझाती है। अज्ञान से मैं हूँ भटक रहा, मुझको यह ज्ञान कराती है। मम सुख स्वभाव को दर्शा कर, सारे दुख को हर जाती है। पांच संभाए बतलाती माँ, निज पुरुषार्थ जगाती है। कार्य संभाए से होता, सारा कर्तत्व मिटाती है। निमित्त नहीं कुछ करता है, मुझको माँ यह समझाती है। रहे कार्य के समय उपस्थित, मुझको माँ ज्ञान कराती है। अब तक न सुनी जिनकी वाणी, जिनकी वाणी बतलाती है। जो भव्य जीव यह सुनते हैं, उनको भव पार लगाती है। उपकार बहुत है माता का, मुझे ज्ञायक प्रभु दर्शाती है। लिपिबद्ध हुई माँ जिनवाणी, इसकी महिमा मुझे आती है। तत्वों को मुझको समझाती, शक्ति अनंत दिखलाती है। रस पान करा कर तत्वों का, पंचम गति माँ पहुँचाती है। नित्य भोजन तत्वों का करता, ज्ञायक रस पान कराती है। जिनकी वाणी माँ है उत्तम, महिमा मेरी दर्शाती है। सिद्धालय ही मेरा घर हो, मुझ में ये भाव जगाती है। मेरा ज्ञायक प्रभु दर्शा कर, चतुर गति दुख को बिनसाती है।
संवसरण में बाणी खिरती मुक्ति का मार्ग बताती है, ऐसी मेरी माँ जिन वाणी सदा याद उसी की आती है, सदा याद उसी की आती है, ऐसी मेरी माँ जिन वाणी सदा याद उसी की आती है। आज के दिन ये जिनवाणी माँ लिपिबद्ध हुई थी, ये जिनवाणी माँ जो महिमातीत है, शब्दातीत है, उसके बारे में हम क्या कहें, लेकिन ये जिनवाणी माँ कैसी है इसको और जानने के लिए हम अगले भाग में जिनवाणी माँ के बारे में और बताकर ऐसे प्रस्तुत होंगे। अभी इसका लाभ लें और जिनवाणी माँ को नमस्कार करते हुए, तत्व चिंतन करते हुए अपने मुक्ति मार्ग पर बढ़ें, यही मंगल भावना है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने इष्टजनों, मित्रों, सहधर्मियों में इसको शेयर करके धर्म प्रवाहना में सहयोगी बनें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको सुझाव दें। अगली वीडियो में जिनवाणी माँ के बारे में कुछ ऐसी ही ऑनलाइन लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।